नमस्ते है जी, धैर्यवान हीलिंग साइंस से मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। दोस्तों, आज हम एक ऐसी चर्चा कर रहे हैं जो कि अक्सर आप लोगों के जीवन में कभी ना कभी सुनने को आपको मिला ही है, पैसे का ना बचना। मतलब कि बहुत सारी चीज़ें मैंने सिखाई है, बताई है कि जीवन में पैसों को कैसे बढ़ाएँ, क्या करें, कैसे करें, लेकिन पैसों को कैसे बचाएं ये भी एक मुद्दा है। क्योंकि समटाइम्स ऐसा हो भी होता है कि आपके लाइफ में पैसों का फ्लो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन पैसे टिक नहीं रहे। तो पैसा टिके उसके लिए सबसे पहला जो चीज़ आपको ध्यान रखना है कि पैसे के बारे में हम क्या बोलते हैं, पैसों का फ्लो। पैसों का फ्लो, तो फ्लो करने वाली ऊर्जा हमारे जीवन में कौन सी है जो आँखों में दिखती है? पानी। जी हाँ, पानी। तो पानी जो एक ऊर्जा है, पानी को हमेशा संभालें, पानी को हमेशा बचाएं। अब बचाने का मतलब ये नहीं कि आप पानी पीना ही छोड़ दें, नहीं, या ना छोड़ दें, या पानी के लिए को लेकर के त्याग करना शुरू कर दें, बिल्कुल नहीं। मैं ये बोल नहीं रहा, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि पानी को कभी भी वेस्ट होता अगर आप देखते हैं, स्पेशली वहाँ जहाँ आपका अधिकार क्षेत्र है, ऐसी जगह जहाँ आपका अधिकार चलता है, जैसे आपका घर, आपका ऑफिस, आपका जहाँ भी, वहाँ आपको पानी को वेस्ट होता देखते ही तुरंत रोक देना है। नल बह रहा है, नल टूटा हुआ है, तो भले जैसे हाँ आपका ऑफिस से नल टूटा हुआ है, पानी बह रहा है, लेकिन हम क्या सोचते हैं कि तो ऑफिस वालों का काम है, पानी बह रहा है, दुख हो रहा है मन में, बिल्कुल दुख हो रहा है, लेकिन हमको क्या लगता है कि ये तो ऑफिस वाले बनवाएंगे। 50, 100, 200, 300 खर्च कर दो और आप खुद कर दो उस काम को, खुद करवा लो, पानी को बहता हुआ आप ना देखो। तो जितना आप पानी को बचाएंगे तो पानी की वो ऊर्जा, नेचर को सब दिख रहा है, ब्रह्मांड को सब दिख रहा है कि आप क्या बचा रहे हो, क्या फेंक रहे हो। जैसे पानी के फ्लो को आपने बचाया तो वैसे ही आपके जीवन में पैसों का फ्लो बचना शुरू हो जाएगा, पैसों का रखाव शुरू हो जाएगा। किचन में पानी बह रहा है, ज़बरदस्ती कार को पानी से धो रहे हैं, बहुत सारा पानी डाल डाल के धो रहे हैं, अपनी बाइक वॉश कर रहे हैं, जूते वॉश कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा पानी यूज़ कर रहे हैं। तो उस चीज़ को आपको समझदारी से यूज़ करना है। पैसों की ऊर्जा और पानी की ऊर्जा आपस में मिलती हुई है, तो पानी की ऊर्जा को आप संरक्षित करेंगे तो पैसों की ऊर्जा भी संरक्षित होनी शुरू हो जाएगी। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात, अब ये तो आपको अपने बिहेवियर में चेंज करके यूनिवर्स में चेंज करना है, अब आपको अपने माइंडसेट पे काम करना है। तो माइंडसेट पे काम करने के लिए क्या करोगे? माइंडसेट पे काम करने के लिए आप करोगे क्या करोगे? पैसों को बचाते कैसे हैं? पैसों को बचाने के लिए गुल्लक रखते हैं। हमारे बचपन से हम लोगों को ये शिक्षा मिली ना कि गुल्लक, सपोज़ ये गुल्लक है, गुल्लक रखोगे तो उसे पैसे बचा के रखोगे तो पैसा बचेगा। तो हमारा माइंडसेट जो है, साइकोलॉजी है, जो हमारी माइंडसेट है, ये वास्तु के हिसाब से भी, हीलिंग साइंस के हिसाब से भी और साइकोलॉजी के हिसाब से भी गुल्लक, ये गुल्लक नहीं है, ये सिंगिंग बाउल है, मान लेते हैं कोई गुल्लक, सपोज़ ये गुल्लक है, तो पौधा है, ये गुल्लक है ना, तो गुल्लक को घर के साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व कॉर्नर जो है, जो कि प्रॉस्पेरिटी जहाँ से आती है, उस जगह पर एक गुल्लक रखो, एक प्यारा सा स्टैंड ले लो, खर्चा कर लो, पैसा तो आ रहा है ना जीवन में, खर्चा कर लो, एक स्टैंड लो, लकड़ी का, स्टूल का, कोई भी प्यारा सा स्टैंड लो और उसमें गुल्लक को रखो, एक गुल्लक रखो और अपने मन को रोज़ एक सिग्नल देने के लिए उसमें में 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया जो भी है रोज़ डालो, रोज़ डालो। तो ये जो पीछे वाला जो हिस्सा है उसमें क्या होगा, क्या कर रहा है तू? पैसा सेव कर रहा है। क्या कर रहा है तू? पैसा सेव कर रहा है। तो आपके मनोभूमि में भी वो चीज़ बननी शुरू हो जाएगी कि आप पैसा बचा रहे हो, पैसा रुक रहा है, पैसा रुक रहा है, पैसा रुक रहा है। तो साउथ ईस्ट कॉर्नर में पैसा आप जमा करते जाएंगे तो वो आपके जीवन में बरकत के साथ बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो ये दो रेमेडीज़ हैं जो आपको करने चाहिए। तीसरा, आपके पास जितना भी पैसा है उसके लिए थैंकफुल रहो, ठीक है। और चौथा, चलो बोनस एक और देता हूँ, चौथा बोनस ये है कि ना एक ना माइंडसेट बनाओ, एक माइंडसेट बनाओ कि इतने रुपए के नीचे मैं मोल भाव नहीं करूँगा। दिमाग की अपनी एक हैसियत तय करो कि 100 रुपए से नीचे के सामान के लिए मैं मोल भाव नहीं करूँगा। एक दो बार आप बोल सकते हो कि भैया वाजिब रेट दे दो या भैया वाजिब लगाओ, सही लगाओ, लेकिन किसी के साथ भी एकदम जो कचर कचर वाला जो मोल भाव होता है ना, कचकच वाला जो मोल भाव होता है, वो मत करो कि उस सामने वाले का दिल ही दुख जाए, सामने वाले के अंदर से ये वाइब्रेशन निकले कैसे कैसे गरीब लोग आ जाते हैं
तो ये करते ही आपके लिए उसकी भावना क्या बन गई, गरीबों वाली। तो ठीक है, उसके भावना से कुछ नहीं होता, उसके सोचने से कुछ नहीं होता, इट्स ओके, थोड़ा सा ही होता है। लेकिन ऐसे ऐसे अगर आपने बहुत लोगों के मन में इकट्ठा कर दिया तो एक समय के बाद क्या होगा पता है, आप दुकान आते रहोगे, पहले सोचा अरे यार ये गरीब सुबह सुबह क्यों आ रहा है, फिर कचर कचर करेगा, फिर कुछ कुछ मोल भाव करेगा, तो उसके हिसाब से आपके लिए अलग से ही माइंड सेट रहेगा। तो उस माइंड सेट के साथ आपको सामान देगा, तो उस सामान को लेकर आप जाओगे कंज्यूम करोगे, तो आप वही गरीबी वाली माइंड सेट को ही, गरीबी वाली भावनाओं को ही, गरीबी वाली ऊर्जाओं को ही कंज्यूम कर रहे हो। तो अपना एक माइंड सेट बनाओ कि 100 रुपये, 500 रुपये, अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, अमीर होते जा रहे हो, तो 1000 रुपये, क्योंकि हर इंसान चाहता है ना उसके, आप भी अगर कोई धंधा करें तो आप चाहते हो कि आपके पास अच्छे कस्टमर है। अच्छे कस्टमर का सबसे बड़ा सेंस व्यवहार, व्यवहार तो ठीक है, सबसे मुद्दा सेंस क्या होता है कि अच्छा पैसा देने वाले कस्टमर, जो मोल भाव ना करे, जो अच्छे से सर्विस ले। और सर्विस ली, हम एक चीज़ मानते हैं कि अगर हम किसी कोई, हम भी अगर कुछ बेच रहे हैं, कुछ चीज़ बेच रहे हैं, तो अगर कोई कस्टमर हमको अच्छे पैसे दे करके गया तो हमको खुद को लगता है यार इसको अच्छा सामान मिलना चाहिए, इसको प्रीमियम सामान मिलना चाहिए, राइट है, उसको अच्छी सर्विस मिलनी चाहिए, राइट है। हम अपने प्रीमियम कस्टमर्स को अच्छी सर्विस देते हैं, हम सभी देते हैं, सभी देते हो ना, तो ये है। तो मोल भाव की आदत को थोड़ा छोड़ें, एक माइंडसेट बनाएं, धीरे जैसे जैसे अमीर होते जाएंगे वैसा वैसा है। हाँ जा, आपको अगर आपको क्लियर पता है कि ये सामान उतने का नहीं है, ये ज़बरदस्ती आपको ठग रहा है, तो वहाँ पर चुप भी नहीं रहना है, या तो मत ही लो, लेकिन मोल भाव भी मत करो, है ना। आप एक दो बार बोलो, अगर कुछ नहीं समझ में आता, उसकी बात अगर गलत लगती है तो मत लो। तो ये सारी बातें हैं जो आपको जीवन में पैसों को बचाने के लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि डिटेल में आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। पानी के फ्लो को हमेशा बचाते रहिए और पानी के साथ हमेशा अपनी भावनाओं को जोड़कर ही पीजिए। पानी के साथ भावनाओं को, मतलब पैसों को अगर बचाना चाहते हो तो पानी के साथ भावनाओं को भी जोड़िए और पीजिए, ठीक है। मिलते हैं और अध्यायों में, तब तक के लिए बोलो नमस्ते जी।